राधे राधे, आज हम बताएंगे नवजात शिशु के जो शरीर पे बाल होते हैं ना, उन्हें हम कैसे हटाते एकदम आसान तरीके से रिमूव करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम तेल को गरम। तो तेल में ना कौन सा हम बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, सबसे फायदेमंद तेल होता है सरसों का। वो बच्चों की ना छोटी छोटी हड्डियाँ कमज़ोर होती है ना बचपन में, जब पैदा होता है बच्चा, तो बस सबसे बहुत ताकतवर तेल होता है सरसों का। फिर जो आप जैसा आपके यहाँ जैसा मिलता हो आप उसे से करें मसाज, लेकिन सबसे अच्छा तेल तो सरसों का ही होता है। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से क्या है, थोड़ा ना बच्चों को गर्माहट रहती है, इसलिए वो नुकसान भी नहीं करता है। ये मेरी छोटी वाली गुड़िया है, इसको आपने देख चुकी हो। तो मैं ना इसके कपड़े उतार रही हूँ, वो आराम आराम से उतारना है क्योंकि इसका नड़ा भी अभी निकला नहीं है, छोटा बेबी है ये हमारा। तो इसके मैं ना कपड़े उतार लूँगी। ओ गाइस, ये तेल की जब मालिश करते हैं ना तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप है ना कभी भी मालिश करो तो बच्चों की कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मेरे नाखून है वो मैंने काट लिए हैं एकदम, और जो हाथों में कभी चिकनाई वगैरह वो तीखापन रह जाता है ना सब्जी वगैरह का, तो आप हाथों को अच्छे से साफ कर लें साबुन से, उसके बाद हाथों में थोड़ा सा घिस लें, इससे आपके हाथ बिल्कुल ठंडे नहीं हों, बराबर रूम टेम्परेचर बच्चे के बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से आपके हाथ हो जाए। ये मेरे पास है ना बच्चे का जो वैप्स होता है ना वो है, इससे मैं इसकी स्किन साफ कर लूँगी। और इससे ये अगर आपके पास ना हो तो आप है ना सूती कपड़ा जो होता है उसको हल्का सा गुनगुने पानी में डाल के साफ कर सकते हैं। तो बस इस बच्चे को मैं ऐसे ही साफ कर लूँगी इससे, क्योंकि इन बच्चों को हम रोज़ रोज़ तो नहलाते नहीं हैं। तो ये रोने लगी है, मैंने इसके चेहरे को ना साफ कर रही हूँ, बस इसलिए है ना चेहरे पर बिल्कुल हाथ नहीं लगवाती है। अब ये मेरा तेल है ना गुनगुना हो गया है, ज़्यादा तेज़ नहीं लगाना है गरम। अब ये थोड़ी अजमान हाथों में आ जाती है तो उसको मैं हटा देती हूँ, आप चाहो तो इसको छान भी सकती हो। तो सबसे पहले हाथों की जो हथेलियाँ हैं उनमें मसाज करनी है, अब थोड़ी थोड़ी करके ना बॉडी में मसाज करनी है। और जो इनकी जो सिर की जो चांद होती है ना बीच का, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें ना हमें अच्छा सा तेल भर देना है, बहुत अच्छा सा, ताकि ये ना जल्दी से थोड़ा टाइट होने लगे और ना हल्का सा थपथपा देते इसकी चांद को। तो इसमें ना आप अच्छा सा तेल को ही रखें और ऊपर की साइड चेहरे पे इसको ना सारी मैंने तेल को लगा दूंगी। और आप देख पा रहे हो ये कुछ अजवाइनों के दाने रह जाते हैं। अब इनकी ना थोड़ी एक्सरसाइज भी बताएंगे, बच्चों की एक्सरसाइज कैसे होती है। ये बहुत खुश है, इसके चेहरे को अगर आप टच करोगे ना तो ये बहुत रोने लगेगी। अब जिनकी जो बाल होते हैं ना रोंगटे इनके पेट से जो आते हैं, उनको हम कैसे साफ़ कर दें। ये मेरे पास है ना गेहूं का आटा है, उसका मैंने आटा लगा लिया है, उसकी एक लोई तोड़ ली है। तो इसको ना हम ऊपर की साइड, जिस तरह हम अपना वैक्स करते हैं ना ऊपर की साइड खींचते हैं ना, वह वैसे ही हमें ना इसको लोई को ऊपर की तरफ बच्चे की स्किन पर ये हाथों पर इस तरह लगाते रहेंगे, ताकि ये ना रोंगटे जितने होंगे ना पेट के वो सब टूट जाएंगे। तो इसको ना लोई को अब सब पूरे शरीर में ऊपर की तरफ फेरना है और आराम आराम से। ये बहुत खुश है इसको, ये मैंने ना इसको ऐसे मालिश की, इसको एहसास भी नहीं होने दिया है, सच बता रही हूँ। और पूरी बॉडी में आप है ना कंटिन्यू 8 दिन तक इसके आलोई घुमाओगे ना तो बिल्कुल भी जो बाल बहुत सारे आ जाते हैं ना तो बेकार लगते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो बस मैं ना गेहूँ के आटे की जो लोई है जिससे रोटी बनाते हैं बस उसको मैं लगा दूंगी और ये अच्छे से साफ हो जाए, क्योंकि ऑयल की स्किन है तो इसीलिए मैं ना लोई में ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको लगेगी भी नहीं, तो रोंगटे एकदम साफ हो जाएंगे और चेहरा एकदम क्लीन हो जाएगा। अब चेहरे पे भी माथे पे ना ऊपर की साइड करते जाएं, जो फोरहेड है ना उसमें ऊपर की तरफ एकदम लगाएं, गालों पे भी अच्छे से फेर दें ताकि इसके चेहरे पे कभी भी बाल नहीं दिखाई देंगे। और है ना देख रहे हो कितना अच्छे से करवा रही है ये, इसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी 4 दिन की हुई है, अब इसकी पीठ पे इसको मैंने पलट के अच्छे से मालिश कर देती हूँ। सरसों का तेल है ना वो इसको एकदम गर्माहट भी एहसास हो रहा है। तो आप मालिश तो सभी कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। अब इसकी आती है मेन चीज नोज़। तो नोज़ को क्या है, हम ऊपर की तरफ से इसे दबाएंगे, जितना भी इनकी ना अभी कच्ची हड्डियाँ हैं जिस तरह आप रखेंगे ना इसको ना, तो हम लोग तो इसकी ना नाक भी बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो मैं इसकी नाक दबा रही हूँ, रो रही है ये, नाक को ना दबाने नहीं दे रही है और ना तो वहाँ रसाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे यार 4 दिन का बच्चा कहाँ जानता है कुछ अच्छा करना। तो बस फाइनली इसकी मसाज भी हो गई है, लोई भी फिर गई है, तो मैं इसको कपड़े पहना देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना।
हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटे को प्रेस करो ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगी। और मेरी बेटी ने बढ़िया सा नहा लिया है, यानी तेल की मालिश कर ली है, लोई की मालिश करवा ली, और इसको मैं कपड़े पहना देती हूँ क्योंकि थोड़ा ना बच्चे गर्म कपड़े में रहेंगे तो बहुत अच्छे स्वस्थ बने रहते हैं। आपको मेरी बेबी बहुत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस बेबी के लिए एक लाइक तो बनता है, इसको मैं कपड़े पहना देती हूँ। बहुत ध्यान रखना है, और इसके नड़े पे जो नाभि है ना उस पे भी आपको गरम गरम गुनगुना तेल रखना है भैया, गरम बिल्कुल मत रखना, एकदम गुनगुना, आपकी उंगली हल्की सी जलने लगे बस वैसे। और फाइनली मैंने इसको कपड़े पहना दिए और ये बहुत खुश हो गई। भैया इसके लिए आप एक लाइक करना और मेरी बेटी के लिए भी एक सब्सक्राइब करना। आप इसको मैं क्या पहना देती हूँ, आपके रूम में अगर एसी पंखा चल रहा हो तो प्लीज़ उसको बंद कर दें। और ये नाली रुक, कितनी सुंदर लग रही है ना, प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए एक लाइक तो करना। मेरी मम्मी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, तभी मैं सोऊंगी जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर लोगे। फाइनली मेरी बेटी सो गई है, उसके लिए आपको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलूंगी नई एक और वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।